ओके, देखो यह फोटो में मैरी है। अरे हाँ, क्या तुम वो सोच रही जो मैं सोच रही हूँ? ओह, हमारी मैरी कितनी सुंदर है। केट, ये कितना मजेदार निकला। अरे ये किस तरह का मजाक है केट, रोज। खैर, मैं अब तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चूंकि तुम ड्राइंग के बहुत शौकीन हो, मैं तुम्हारे लिए चुनौती की घोषणा करती हूँ। चलो देखे तुम इसे कैसे संभालती हो। हम कहाँ है, क्या हो रहा है? मल्टीडू चैनल पर ये एक नई चुनौती है और हम शुरू कर रहे हैं। मैरी, ओ क्या तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारे बारे में भूल चुकी हूँ। मेरे लिए पॉपी ड्रॉ करो। वाह, जो तुम में से सबसे अच्छा ड्रॉ करेगा उसे उपहार के रूप में यह पॉपिट मिलेगा। समय शुरू हो गया है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? रोज, बस देखो कि कितने वैक्स पेंसिल्स हैं। हाँ, इंद्रधनुष के सभी रंग यहाँ है। काला, तुम यहाँ कैसे आ गए? और मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? मुझे लगता है मुझे पता है, मैं उसके साथ एक आउटलाइन तैयार करूंगी, फिर मैं इसे चमकीले रंगों में रंग दूंगी। तो मैं एक ही बार में सभी रंग ले लूंगी और उन्हें ब्रश के बेस में डाल दूंगी। देखो मुझे कैसा मिला है। तो मैं एक ही बार में सभी रंगों से पेंट कर सकती हूँ और वे एक इंद्रधनुष भी बनाते हैं। ये बहुत अच्छा है। रोज, तुम ड्राइंग क्यों नहीं कर रही हो? ड्रॉ करने से पहले मुझे भविष्य की ड्राइंग के बारे में सोचना होगा। ओह, इतनी गहरी सोच में मैंने ध्यान नहीं दिया मैं कितनी गंदी हो गई हूँ। लेकिन मुझे पता है क्या करना है। वैक्स गर्म तापमान से पिघल जाता है और निशान छोड़ देता है, तो मैं सिर्फ हेयर ड्रायर के साथ पेंसिल को गर्म करूंगी और वैला, मुझे कागज पर एक तरल इंद्रधनुष मिला है। वाह, केवल आपका इंद्रधनुष? वाह, ओह, मैं मोम को ठंडा होने देना भूल गई। ठीक है, मैं इसको हटाने की कोशिश करती हूँ। नहीं, मैंने इसे बदतर ही बना दिया और मैं अपने हाथ पोछना चाहती हूँ। ओ, समय हो गया है लड़कियों, अपना काम दिखा। यहाँ मेरा है, सुंदर है ना? और यह मेरा है, मैंने इसे थोड़ा बर्बाद कर दिया है, लेकिन शायद तुम इसे पसंद करोगी। ओ नहीं, इसे मेरी नजर से हटाओ। केट, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने बहुत अच्छा किया। खिलौना ले लो, तुम इसके लायक हो। अरे, अब मैं भी पॉप कर पाऊंगी, मैं भी इसे खेलना चाहती हूँ। रोज, मेरे पॉपिट से अपने गंदे हाथ हटाओ। गंदा तुम कहती हो? ओह, मुझे दे दो केट, मैं भी पॉप करना चाहती हूँ। मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद उठूंगी। धन्यवाद दोस्त, मेरे साथ अपना खिलौना साझा करने के लिए। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्कर, मुझे ये बहुत पसंद है, इतने सारे रंग। ये कितना अच्छा गेम है। अरे, क्या फोर्टनाइट और एक नया प्लेस्टेशन है? हमें मैरी को असली दुनिया में वापस लाने की जरूरत है। यह लो, यहाँ, तुम्हें मेरा वार कैसा लगा? बस मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हे मैरी, हम सच्ची में एक चुनौती करना चाहते हैं, और वो भी समय पर, और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ताराम, अब मैं एक गेम पैड बनाने जा रही हूँ, मुझे लगता है मैं बैंग मिलूंगी। ओके, मुझे दो। रोज, तुम्हारी वजह से मैंने लाइन अच्छी नहीं बनाई और मेरी ड्रॉइंग को बर्बाद कर दिया। मुझे जॉयस्टिक दे दो। नहीं, तुम इसे वापस दे दो। नहीं तुम। ओह, खैर वो चला गया है, ये सब तुम्हारी वजह से है रोज। अब मैं क्या ड्रॉ करूंगी? केट, मैं कुछ लेकर आई हूँ, ध्यान से सुनो, मैं अब तुम्हें ये बताने जा रही हूँ। हाँ, कूल। हमें बस विभिन्न रंगों के मार्करों के साथ खुद को बांटने की जरूरत है। अपने आप को तैयार करो और ड्राइंग शुरू करो। प्लेस्टेशन 5 बहुत सुंदर है, इसे ड्रॉ करना खुशी की बात है, लेकिन यह मुझे सोचने में और भी खुशी देता है कि मैं इसे अपनी ड्राइंग के लिए जीत सकती हूँ। वाह, मैंने कितना कूल बनाया है, तुम मुझे नहीं लगता क्या? वाह रोज, तुमने कितना सुंदर जॉयस्टिक बनाया है, और मैं भी इसी तरह से चाहती हूँ। ग्रे, गुलाबी, नीला, जब कोई इसे खेलता है तो प्लेस्टेशन चमकता है। ओह, बहुत रंगीन, इंद्रधनुष के लगभग सभी रंग। वाह, ये बहुत अच्छा निकला, लेकिन मैं कुछ बेहतर बना सकती हूँ। क्या होगा अगर मैं अपने गेम पैड में थोड़ी सी चमक जोड़ दूँ? ग्लू के साथ मैं जॉयस्टिक बटन पर स्प्रिंकल्स डाल सकती हूँ, और फिर यह सिर्फ बहुरंगी ही नहीं बल्कि उज्जवल रंगों के साथ ही चमक जाएगा। कूल रोज, हमारी ड्राइंग्स चमक रहे हैं। चलो, मैं हार गई। उफ, क्या तुमने पहले ही सब कुछ ड्रॉ कर लिया है? हाँ, और तुम्हें यह कैसा लगा? ओ, समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या ड्रॉ किया गया है। मैरी, ये तुम्हारी प्लेलिस्ट है, देखो। यहाँ प्लेलिस्ट है। ओह, यह बात है। हाँ, तुमने बहुत अच्छा ड्रॉ किया है। बस हो गया, इसे खत्म करो केट, और अगली चुनौती में कौन भाग लेगा? तुम इतने लंबे समय तक वीडियो गेम नहीं खेल सकती।
मुझे जानना है कि इस बार क्या होगा। देखो और अब हम ड्रॉ करेंगे। ओह मैरी, ओह नहीं, केक। अब हम एक केक ड्रॉ करेंगे। ओह केक सुरक्षित और स्वस्थ है। और अगर तुम जानना चाहते हो उसके पास बहुत स्वादिष्ट क्रीम भी है। तो तुम्हारा समय शुरू हो गया है, शुरू हो जाओ। मैं पेंट के साथ पेंट करूंगी। सबसे पहले मैं हगी वगी का मुंह ड्रॉ करूंगी। उसके पास ऐसी असामान्य मुस्कान है, ये तुरंत नोटिस होता है। तो यहीं से मैं शुरू करूंगी। हगी वगी फ्लफी शैगी और नीला है। मैं बड़े स्ट्रोक के साथ ड्रॉ करना चाहती हूँ। उफ रोज, मेरा हगी वगी, तुमने मेरी ड्रॉइंग को बर्बाद कर दिया केट। और मैं इसके लिए तुमसे बदला लूंगी। अच्छा यह बात है केट, क्या तुम्हें ये पसंद है? नहीं, मेरी ड्रॉइंग। रोज तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इसी के लायक हो। लेकिन अब मुझे अपने ड्राइंग के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं बस एक स्ट्रॉ के साथ एक्स्ट्रा पानी उड़ा सकती हूँ। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानती, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इस ड्राइंग तकनीक को मोनोटाइप कहा जाता है, या बस एक छाप। बस यह अच्छे से बन जाएगा। आह, अरे नहीं, समय खत्म हो गया और मेरे पास किसी भी चीज के लिए समय नहीं है। समय खत्म हुआ, अपना काम दिखाओ। लेकिन क्या हगी वगी एक राक्षस नहीं है? इसलिए मैंने एक राक्षस को ड्रॉ किया है। नहीं, तुमने कोई राक्षस वाक्षस नहीं, बस एक धब्बा है। और यहाँ तुम्हारी ड्राइंग है। रोज, मुझे सच्ची में यह पसंद है। तुमने एक अद्भुत हगी वगी बनाई है और यह केक तुम्हारे पास जाता है। मुबारक हो। अरे केट, देखो वह कितना सुंदर है। मैं क्रीम को चखना चाहती हूँ। ओ वाह, क्या मीठी और स्वादिष्ट क्रीम है। अब फिलिंग को खाते हैं। ओह, अब तुम खुद हगी वगी की तरह हो। पकड़ो केक, यह टुकड़ा पकड़ो। तुम्हारी दोस्त तुम्हारे साथ शेयर कर रही है। तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम केक नहीं चाहती हो? आगे क्या है? च्युइंग गम मशीन। वाह, एक पूरी मशीन। हाँ, जो सबसे अच्छा ड्राइंग बनाएगा उसे उपहार के रूप में एक पूरी गमी मशीन मिलेगी। और अंदर उसके पास 20 से ज्यादा विभिन्न स्वादों के साथ गम है। तो समय शुरू हो गया है। हुर्रे, मैं ड्राइंग करना शुरू कर रही हूँ। मैं ड्रॉ करना शुरू कर रही हूँ। पहले मैं एक नीली गोल बनाऊंगी। मैंने कहा कि मैं एक सर्किल बनाऊंगी। ओह, मैं किसी भी तरह से एक भी सर्किल नहीं ड्रॉ कर पा रही हूँ। मैं इसे फिर से कोशिश करूंगी। अरे वह इतनी स्मूथ सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकती है? ओह, मुझे पता है क्या करना है। मेरे पास कंपास बनाने के लिए सब कुछ है। इसके लिए मुझे कैची, पेन और ब्रश चाहिए। ऐसे कंपास की मदद से मैं एक परफेक्ट सर्कल बना सकती हूँ। ओह, यह काम किया। और वह क्या कर रही है? मैं एक विशेष स्पंज ब्रश के साथ गम बॉल्स बना रही हूँ। और यह तुम्हारे लिए है, सुंदरता के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक बेहतर तरीका सोच सकती हूँ? हाँ, मैं कर सकती हूँ। यहाँ हाथ की मदद और कोई जादू नहीं। और मैं एक साथ कई रंग लगा सकती हूँ। तुम जीत नहीं सकती केट। हम उस बारे में देखेंगे रोज। मेरे पास बहुत सारे बॉल्स होंगे। मेरे पास तुमसे और भी ज्यादा होगा। समय हो गया। ओह, यह काम देखने का समय है। और यहाँ क्या देखना है? यह स्पष्ट है कि मेरा काम केट की ड्राइंग से बेहतर है। नहीं, वह भयानक है। और यहाँ केट की ड्राइंग है। आकार और रंग का सही कॉम्बिनेशन, परफेक्ट सर्कल्स। केट, बधाई हो, अपना पुरस्कार ले लो। हुर्रे, मैं जीत गई। वो मेरा पसंदीदा है। मैं अब जितना चाहूँ उतना गम खा सकती हूँ। केट, ओ, अब मैं जितना चाहूँ उतना गम खा सकती हूँ। क्या आपको वीडियो पसंद आया? फिर जल्दी सब्सक्राइब करें। मल्टीडू चैनल पर और भी असामान्य चुनौतियाँ, मजेदार कहानियाँ और मजेदार हीरोज आपका इंतजार कर रहे हैं।